इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनई और फिर सिंगापुर दौरे से चीन के लिए टेंशन बढ़ गई है। दोनों देशों में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया और दोनों ही देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी नजर आई। प्रधानमंत्री के सिंगापुर दौरे पर दोनों देशों के बीच ऐसे अहम समझौते हुए जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेंगे, जिनमें स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, एआई सहयोग शामिल है। लेकिन पीएम मोदी का इस दौरे पर यह कहना कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए भी सिंगापुर अहम देश है, इसने चीन की नींदों को उड़ा दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दक्षिण चीन सागर में एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है ब्रुनई, और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी का पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1952 में इसकी शुरुआत की थी और ये लुक ईस्ट नीति के एक्सपेंशन के रूप में ही साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसे 12वें एशियान भारत शिखर समिट के दौरान शुरू किया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी का फोकस क्षेत्र लेवल दक्षिण पूर्वी एशिया तक था, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का फोकस क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ पूर्वी एशिया में भी बढ़ा है। पिछले 10 सालों में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत ने रूस को फार ईस्ट में कई तरह के विकास कार्यों के लिए 1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा भी की थी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से चीन इतना घबराया हुआ क्यों है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी चीन के लिए कई तरह से चुनौतीपूर्ण है। चीन साउथ चाइना सी में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर रहा है और इसमें सिंगापुर से मजबूत संबंध काफी अहम साबित होंगे। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत कहता रहा है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश पारंपरिक रूप से दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदले और वो अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है। भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश जाने पर भी चीन आपत्ति जताता रहा है। चीन ने 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी अरुणाचल की आपत्ति जताई थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए भारत हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके चीन की उस विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाना चाहता है, जिसके जरिए चीन इस क्षेत्र में अपने दबदबे को बढ़ाने में लगा हुआ है और आए ही दिन अपने नौसेना के जरिए इस क्षेत्र में कब्जा करने के प्रयास में लगा रहता है। ऐसे में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को चीन उसकी इस विस्तारवादी नीति के राह में एक बड़ी रुकावट के तौर पर मानता है। भारत चीन का इस पूरे क्षेत्र में सामना करने के लिए लगातार अपनी नौसेना को भी सशक्त बनाने पर लगा हुआ है और चीन इन तमाम कदमों से घबराया हुआ है और वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक खतरे के रूप में देखता है।